सो हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में एंड इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन डेट एंड एडमिशन प्रोसेस, पीजी कोर्सेस एंड यूजी कोर्सेस, कितनी कोर्सेस ये प्रोवाइड करते हैं, फीस, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को पता नहीं है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में, तो ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड ये न्यू दिल्ली में है एंड इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम लोग बात करें तो 500 इसकी एप्लीकेशन फ़ीस रहती है जो आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे। एंड एप्लीकेशन फॉर्म की डेट की बात करें तो ये एक्सपेक्टेड है मार्च में इसकी फॉर्म होने वाली है, मिड मार्च के बाद। लास्ट ईयर भी इसकी फॉर्म आ गई थी एंड इस बार भी 99% चांसेस है लास्ट मार्च तक आपकी फॉर्म आ जाए। एंड अगर हम लोग इसकी एग्जाम की बात करें, एग्जाम डेट की, तो आपको भी पता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने सी यू सेट एक्सेप्ट कर लिया है, तो इस बार आपको सी यू सेट देख के ही इसमें एडमिशन मिलेगा एंड सी यू सेट एग्जाम जून जुलाई में हो सकता है। एंड अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से बहुत सारे पॉपुलर फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज कर सकते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ये आपको नहीं मिलेगा, बट यहाँ आपको बहुत तरह की फॉरेन लैंग्वेज कोर्स करने को मिल जाएगी। एंड अंडर ग्रेजुएट में आप बस यहाँ से बीए कर सकते हो एंड पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो वहाँ से आप एमबीए, एमए, एमएससी ये सब कर सकते हो। एंड एमबीए की फॉर्म अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी भी आउट है 2022 के लिए, तो वो भी आप लोग फिल कर सकते हो। एंड बीए की अगर हम लोग फीस की बात करें तो 4000 के अराउंड इसकी फीस है एंड इसमें आपको दूसरे सभी कोर्सेज के लिए जो अंडर ग्रेजुएट, जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आप लोग करोगे उसकी भी फीस कम है, बट इसमें अंडर ग्रेजुएट के कोर्स एक ही है, बीए ही है। आप लोग बीबीए, बीकॉम ये सब यहाँ से नहीं कर सकते हो। एंड अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो उसकी भी फीस बहुत कम। तो अगर हम लोग इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो अगर आप लोग बीए करोगे तो यहाँ से आपके पास 12th में मिनिमम 45% मार्क्स रहनी चाहिए एंड कोई भी स्ट्रीम से हो तो आप लोग बीए में एलिजिबल हो एंड आपकी एज लिमिट मिनिमम 17 ईयर्स रहनी चाहिए। एंड अगर आप लोग इस बार 12th की एग्जाम देने वाले हो, आप लोग अपीयरिंग स्टूडेंट हो, तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आप लोग यहाँ से एमए, एमएससी करना चाहते हो तो आपके पास 55% इन बैचलर डिग्री रहनी चाहिए। एंड अगर आप लोग कोई भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर हम एडमिशन की बात करें, लास्ट ईयर इसमें जेएनयू इंट्रेंस एग्जाम होती थी, इसकी खुद की अलग इंट्रेंस एग्जाम होती थी एंड वो भी एनटीए कंडक्ट करती थी, बट इस बार इन्होंने सीयू सेट एक्सेप्ट कर लिया है, तो इस बार इनकी सीयू सेट कंफर्म हो गई है, तो इस बार सीयू सेट ही एग्जाम होगी एंड ये एनटीए ही कंडक्ट करेगी। तो सबसे पहले आपको सीयू सेट की फॉर्म फिलअप करनी होगी, फिर जेएनयू की फॉर्म निकलेगी तो उसको भी आपको फिल करना होगा। देन उसके बाद जब आप लोग सीयू सेट एग्जाम दे दोगे, देन आपकी एक रैंक बन के आएगी एंड उस रैंक से उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी जेएनयू में कि इतने ईएफ बीए के लिए आपको इतनी से इतनी रैंक रहनी चाहिए, तब आपकी एडमिशन होगी काउंसलिंग में। देन उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी एंड ये टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आती है इंडिया में, NIRF रैंकिंग 2021 में भी ये टॉप 10 यूनिवर्सिटी में ही आती है। अगर आप लोग बीए करना चाहते हो तो आप लोग इसमें कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हो तो भी इसमें कर सकते हो। एंड अगर हम लोग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करें तो इसमें आप लोग इसमें बीए ऑनर्स अरेबिक, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, कोरियन ये सब कर सकते हो, रशियन से, स्पेनिश से, तो इतनी सारी आपको फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज मिल जाएगी। एंड अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हो तो आप लोग एमए इन एंशिएंट हिस्ट्री, अरेबिक, चाइनीज आर्ट्स, एस्थेटिक, एमए इन इंग्लिश, ज्योग्राफी, जर्मन, हिंदी ये सब भी आप लोग कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज आपको यहाँ पे बहुत मिल जाएगी। एंड उसके बाद एमए इन मॉडर्न हिस्ट्री, पर्सियन फिलोसफी, इन उर्दू, स्पेनिश, एमबीए, एमएससी लाइफ साइंस, एमएससी इन फिजिकल साइंस, एमएससी इन एनवायरमेंट साइंस, तो ये सब कोर्सेज हैं जो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। तो अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप नीचे पूछ सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड ये थी पूरी जेएनयू की रिव्यू जिसमें मैंने आपको कोर्स, इसकी एलिजिबिलिटी सब कुछ डिस्कस किया। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।